पलवल में फिर होगी महापंचायत। गतपुरी टोल प्लाजा के विरोध में महापंचायत। गतपुरी गांव की जमीन पर बताया जा रहा है अवैध टोल। अवैध टोल प्लाजा की बात कही जा रही है कि यहां पर जो टोल प्लाजा बना है वो अवैध है। लंबे समय से टोल के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है। पूर्व मंत्री करण दलाल महापंचायत में शामिल होंगे। पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया भी शामिल होंगे। टेकचंद शर्मा महापंचायत में मौजूद रहेंगे। फरीदाबाद के लोग भी महापंचायत में शामिल होंगे। टोल के खिलाफ कोर्ट में भी डाली गई है याचिका। दिनेश कुमार हमारे संवाददाता पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, मौके पर हैं। जी दिनेश। देखिए मैं बता दूं नासिर आपको कि पिछले लगभग एक महीने से ये जो गतपुरी टोल प्लाजा है इसके खिलाफ लोग धरने पर बैठे हैं। धरने का कारण यही बताया जा सकता है कि जो है ये जो टोल प्लाजा गतपुरी की पंचायत की जमीन पर लगाया गया है इसे अवैध बताया जा रहा है। लगभग 5 एकड़ की ये जमीन है जिसको पूरी तरह से एनएचएआई ने एक्वायर नहीं किया। अवैध तरीके से यहाँ पर ये टोल बूथ बनाए गए हैं जिसकी वजह से ये गांव के लोग लगातार धरना कर रहे हैं क्योंकि उनको उचित मुआवजा भी जो है एनएचएआई की तरफ से नहीं दिया गया जिसके विरोध में लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं जिस तरह से केंद्रीय जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी उन्होंने एक बयान दिया था कि 60 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई टोल प्लाजा आता है तो वो अवैध है। मैं आपको बता दूं कि यहां से बदरपुर भी 60 किलोमीटर से कम की दूरी पर है और यहां से जो दूसरा हमारा टोल प्लाजा है करमन बॉर्डर पर जो यूपी और हरियाणा की सीमा पर है वो भी 60 किलोमीटर की कम दूरी पर है। ऐसे में लोग इसके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। पिछले लंबे समय से यहाँ धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। लगभग 4 महापंचायत हो चुकी है। महापंचायत का नेतृत्व यहाँ से पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया और तमाम इलाके के लोग कर रहे हैं। किसान यूनियन भी इस धरने को लगातार समर्थन दे रही है, उनके साथ कंधे से कंधा से मिलाकर यहाँ चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर लोग ही मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या आज का महापंचायत का उद्देश्य है, क्या कई दौर की बातचीत एनएचएआई के जो है अधिकारियों और जो ये है कमेटी है जो टोल हटाओ कमेटी इनके बीच हो चुकी है। हम लोगों से ही बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ हैं चेयरमैन साहब, क्या कहोगे किस तरह का ये है जो आज जो महापंचायत होने जा रही, क्या इसका उद्देश्य है? टोल संघर्ष समिति गदपुरी ने आज एक महापंचायत बुलाई है जिसका उद्देश्य ये है। आज हमारा 36वां दिन है धरने का, अभी हमारा कोई निष्कर्ष पे अभी नहीं पहुंचे हैं। कुछ बातें इनसे कई दौर की मीटिंग हुई है, कुछ बातों पे इन्होंने हमारी सहमति जताई, लेकिन टोल संघर्ष समिति एनएचएआई की आपके साथ जो मीटिंग हुई अधिकारियों की, क्या सहमति बनी, कुछ क्या मांग आपने की है, किन बातों पर वो सहमति कर चुके हैं? एनएचएआई से हमारी सहमति हुई है। एनएचएआई ये कह रही है कि हम आपकी जमीन का पैसा देने के लिए तैयार है। जो हमारी अवैध जमीन और इन्होंने 38 कनाल 17 मलरे जो अवैध रूप से घेर रखी है उसका पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी और काफी मुद्दे हैं जिन पर टोल संघर्ष समिति और एनएचआई और क्यूब कंपनी के साथ अभी सहमति नहीं बनी है। काफी मुद्दों पर सहमति किलोमीटर के दायरे में बात की जा रही है कि भाई पास बनाया जाएगा 315 रुपए जो प्रति महीने का 20 किलोमीटर के दायरे में। आपकी क्या मांग है कि कितने गांवों को फ्री किया जाए, कितनी दूरी तक के लोग इसमें फ्री होंगे? हमारी सबकी तो यही है कि लोकसभा से लोकसभा सारा फ्री किया जाए, लेकिन इस मुद्दे पे कुछ सहमति कुछ काम की बनी है, लेकिन वो हम अपनी महापंचायत में ही उसका सबके सामने बताएंगे। हमारे जो नेता लोग हैं वो सब बताएंगे और उसमें जो इनसे अगर आज हमारी सारी मांगे मानते हैं। ये जो जमीन एक्वायरमेंट की थी या फिर इसका जो मुआवजा किस कारण से नहीं दिया गया, कितनी जमीन एक्वायर करी और कितनी इसमें अवैध है? इसमें 38 कनाल और 17 मरले अवैध है। इन्होंने 20 कनाल जमीन एक्वायर की थी, ये इन्होंने जबरदस्ती टोल बनाया क्यों पंचायत उस टाइम सस्पेंड चल रही थी। इन्होंने डीसी प्रवीण शर्मा थे, उन्होंने कह दिया भाई बरवल्ली कह दिया, वैसे लिखित में भी कहा इनको भाई इसको पंचायत को पैसा दिया जाए, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं दिया ना अधिग्रहण की गई। पहले जब ये आपका पंचायत शुरू हुई टोल के खिलाफ तो ये था कि टोल को हटाए दिया जाए, अब कहीं ना कहीं बीच में सहमति बनती जा रही है, इसका कारण क्या है? अब क्या कमेटी झुकी है या फिर कमेटी को नहीं चाहती कि लंबा ये आंदोलन चले, क्योंकि पहले कहा जा रहा था पूरे जिले को टोल फ्री किया जाए दोनों जिलों को, अब इनकी सहमति बीच में बनती जा रही है जिसको लेकर आज महापंचायत बुलाई जा रही है? ऐसा नहीं है कि टोल कमेटी पीछे हटी है, जो सरकार के नियम है हमने पहले भी कहा था उन सबको हम मानेंगे, लेकिन जो अवैध चीज है जैसे 70 रुपए में पास बनता है जो टोल टैक्स श्रीनगर तोमसरा वाला है उसका 70 रुपए है और यहाँ 315 रुपए, ये गलत। जो जमीन 2.5 एकड़ इन्होंने ली थी उससे अलग 38 कला 17 मल्ले जमीन को और अधिक दबा लिया तो वो गलत, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तो टोल में जो 60 किलोमीटर वाला था
वो सरकार उससे गलत चल रही है, तो जनता ठीक थी सरकार गलत थी, लेकिन फिर भी किसी काम को करने के लिए कोई सहमति बनती है। हमारी मांगे जो है, जो जायज मांगे हैं, उनको यदि सरकार मांगे, आज सहमति बनेगी पंचायत में, फिर आगे बढ़ाया जाएगा धरना प्रदर्शन। ऐसा है, पंचायत में अभी फैसले होंगे, लोग जुड़ेंगे, आपके सामने होंगे सारी बातें, और जो भी बात होगी वो सही सही होंगी, कोई नाजायज बात नहीं। क्या क्या मांगे रखी गई हैं भाई? कमेटी की तरफ से यही मांगे हैं भाई, पहले तो यही था भाई ये जो जमीन है हमारी छोड़ी जाए, सबसे बड़ी बात तो यही थी। और जो तुमने ये टूल जो एस्टेब्लिश किया है, इसमें ये गलत तौर तरीके अपना के किया है, सरकार को तो खुद ही सोच समझना चाहिए, सरकार के ऊपर ही तो चलता है सारा जनता का काम, और जनता को वही गुमराह कर रहे हैं वो लोग हुक्मरान। ये कोर्ट में भी ये मामला गया है क्या? आज सहमति बनती है तो फिर कोर्ट में मामला चलेगा या फिर वो याचिका वापस ले ली जाएगी? हमारा सेशन कोर्ट में मामला चल रहा हुआ है और वो चलता रहेगा जब तक हमारा ये कोई सॉल्व नहीं होता, जब तक हमें पैसे और जो हमारी शर्तें नहीं मानी जाती हैं, और जो भी आज पंचायत फैसला करेगी अगर ये मानते हैं तो ठीक है। आपने विरोध प्रदर्शन किया था, ये बात कही जा रही थी कि ये अवैध है। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो टोल प्लाजा के विरोध में प्रदर्शन और आज फिर से महापंचायत होगी पंजाब पलवल में, गतपुरी टोल प्लाजा के विरोध में फिर से महापंचायत होगी और आज क्या फैसला होगा, किस तरह की बातें होंगी वो पता चलेंगी थोड़ी देर में, लेकिन इस महापंचायत को लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं।